नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टॉक मार्केट अपडेट के चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं TVS मोटर कंपनी के बारे में। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था इसी कंपनी के बारे में, जिसमें हमने बात की है इनके रिकॉर्ड डेट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे इनके डिविडेंड के बारे में। इन्होंने अभी अभी अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं अभी इनका लेटर निकाल लेता हूँ जिसमें डिविडेंड के बारे में पूरी जानकारी है। ये देखिए, मैंने इनका लेटर निकाल लिया है। तो इसमें लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ सेकेंड इंटरिम डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो इसमें लिखा है एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हेल्ड टूडे द बोर्ड डिक्लेयर सेकेंड इंटरिम डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 एट द रेट ऑफ 1.40 per share। यानी कि 1.40 रुपये का इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और जो परसेंटेज होता है 140% होता है, और जो इनका फेस वैल्यू है 1 rupees का है। और इसमें इन्होंने लिखा है द सेकेंड इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर विल बी पेड ऑन और आफ्टर 22 मार्च 2019। यानी कि 22 मार्च या फिर इसके एक दो दिन बाद आपको डिविडेंड मिल जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आपको सिर्फ रिकॉर्ड डेट तक इसको आपके डीमैट अकाउंट में रखना है। अगर आप रिकॉर्ड डेट के पहले इनका स्टॉक अगर सेल करते हो तो आपको ये डिविडेंड नहीं मिलेगा, आपको रिकॉर्ड डेट तक रखना ही है। रिकॉर्ड डेट के बारे में हमने पहले वीडियो में बात की है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज सिर्फ इनका यही न्यूज़ बताना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को ऐसे ही लेटेस्ट स्टॉक मार्केट न्यूज़ और वीडियोज़ देखने के लिए। चलिए, थैंक यू।